गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये मॉर्निंग की क्लिप है। मॉर्निंग से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद मेरा घर का काम स्टार्ट हो चुका है। और मैं उठते से पहले सब पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ और डस्टिंग करती हूँ, अपने घर को पूरा सेट करती हूँ। उसके बाद मेरे आगे के काम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और फिर मैं अपनी बालकनी वॉश करने आ गई हूँ। यहाँ पर बालकनी भी बहुत गंदी हो रही थी, तो यहाँ पे मैं अपनी बालकनी को अच्छे से वॉश कर रही हूँ पानी डालकर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और बिल्कुल अच्छी हेल्थ में हूँ। और मैंने जो अपना ब्लॉग था वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था, तो मॉर्निंग के सारे काम फिनिश करने के बाद अभी मैं जस्ट शहर लेके आई हूँ और भगवान की पूजा भी हो चुकी है। सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं और जस्ट मैं और मेरे हस्बैंड अभी बैठे हुए हैं चाय और ब्रेकफास्ट कर के। और अभी मैं थोड़ी देर में लंच प्रिपेयर करूँगी। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है 17 तक, तो जैसे कि अभी तक आपने कॉपरेट किया है वैसे अच्छे से अभी आगे भी कॉपरेशन के साथ अच्छे से रहिए और अपने घर में हेल्दी और सेफ रहिए। अभी ऐसा हम लोग को लग रहा है कि ये टाइम बहुत ही बोरिंग है। हम लोग घर में ही रहते हैं और घर के ही सारे कामों में लगे रहते हैं, हस्बैंड्स भी साथ में रहते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा लगता है फैमिली में कि एक दूसरे को देख देख के थोड़ा सा बोर भी हो गए हैं और अच्छा भी लगता है। बट ठीक है, अभी जैसे कि हमको बुरा लग रहा है कि हस्बैंड्स वाइफ में लड़ाई भी हो रही है और अच्छे से रह भी रहे हैं, बट ये जब ये टाइम निकल जाएगा उसके बाद हमें ये सब याद आएगा कि वो कितना अच्छा टाइम था जब हमें ना लंच प्रिपेयर करना पड़ रहा था और ना मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता था और हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपने सारे काम करते थे और जैसा जो मन में आता था वैसे वैसे रह रहे थे। तो ये सब हम बाद में बहुत याद करेंगे, तो इस टाइम को अभी अच्छे से इंजॉय कीजिए और अच्छे से रहिए। और बात के लिए आप सबको ये टाइम बहुत याद आने वाला है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि अच्छे से और सेफ रहिए। चलिए लंच प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। एक बार फिर मेरा मीठा खाने का बहुत मन हुआ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का हलवा और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 4 चम्मच घी ऐड किया है। घी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप आटा लिया हुआ है और इसे हमें कंटिन्यू तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर हम इसे बीच में छोड़ेंगे तो ये लग सकता है नीचे से और इसका टेस्ट कंप्लीट चेंज हो सकता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आटा भूनते हुए इसको बीच में छोड़े नहीं। मुझे घी कम लग रहा था तो मैं इसमें धीरे धीरे घी अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते जा रही हूँ जिससे कि हमारा आटा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमें इसे तब तक कंटिन्यू चलाना है जब तक कि हमारा आटा अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और इसमें से खुशबू नहीं आने लगती। यकीन मानिए, आटा भूनते टाइम इतनी अच्छी खुशबू आती है, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू रहती है हलवा बनने की। अगर ऐसा कुछ होता तो आप भी इसको ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। कम्प्लीटली इतना टेस्टी हलवा बना है कि यहाँ कंटिन्यू मैं हलवे को चलाती रह रही हूँ और हमें हलवे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसमें बिल्कुल डार्क ब्राउन हमको करना है। जितना अच्छा हमारा आटा भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट में हमारा हलवा लगेगा। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हलवा जो है, आटा जो है हमारा बिल्कुल नीचे से लगे नहीं और जो इसका कलर है वो अच्छा डार्क ब्राउन हो। और बीच बीच में हमें इसकी जो गाँठें है इसमें छोटी छोटी पड़ती है उसको हमें हटाते रहना है जिससे हमारा जो हलवे का टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ और बहुत ही ग्लॉसी बने हमारा हलवा। तो इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है।
हमें जब तक चलाना है जब तक कि ये आटा अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता कंप्लीट। यहाँ मेरा आटा भूनते भूनते गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। किस किस को आटे का हलवा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा हलवा बनकर रेडी हुआ है और टेस्ट में तो अमेजिंग है। आप मुझे पता है बहुत से लोगों को ये रेसिपी आती भी होगी, पर मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो अच्छे से भून चुका है, अभी थोड़ा इसमें कलर आना बाकी है। जितना आप आटा अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा हलवा बनकर रेडी होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो हमें इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक इसको भूनते रहना है, बिल्कुल अच्छा डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा तभी ये बिल्कुल भून के रेडी हो जाएगा। अब हमारा आटा एकदम भून के रेडी हो गया है, इसका कलर भी बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया है और कितना अच्छा कलर आया है आटे में। हमें इसी स्टेज तक इसको भूनना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। मैंने यहाँ लो फ्लेम बिल्कुल लो करके रखी हुई है, हमारा आटा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। मेरा आटा कितना अच्छा भूनकर रेडी हुआ है, तो हमारा आटा एकदम डन हो चुका है। अब चलिए हम इसके आगे के प्रोसेस करते हैं। आटे को मैंने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है और कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाया है। आटे में बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, हमें इसी स्टेज तक इसको पकाना है। मैंने जैसा आपको बताया है कि जितना अच्छा आटे में कलर आएगा उतना ही सुपर टेस्टी हमारा हलवा बनकर रेडी होगा। तो इसी तरह आप भी बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन होने तक भूने, आटे का हलवा बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। हमारा आटा एकदम कम्प्लीटली पक चुका है, इसका कलर भी बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गया है। अभी हमारा आटा एकदम रेडी हो गया है तो मैं आटे को साइड में निकाल लूँगी और हमारी आगे के प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया था, तो यहाँ 2 कप मैं पानी ले रही हूँ। आप इसी रेशियो से बनाइए आटा, आटे का हलवा बनकर बहुत अच्छा रेडी होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप शुगर का या जैगरी का आप अपने पसंद के अनुसार जिस चीज़ का भी हलवा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जैगरी का हलवा बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा ऐड करने वाली हूँ। और जब तक मिठाई या कुछ ज़्यादा मीठी ना बने तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे जैगरी भी ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें 2 चम्मच शुगर भी ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग शुगर या जैगरी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैगरी और शुगर दोनों ले लिए हैं। और इसमें हमें कोई 1 या 2 तार की चाशनी प्रिपेयर नहीं करनी है, हमें जस्ट हमारी जैगरी और शुगर इसमें डिज़ोल्व होने तक हमें इसको पकाना है। जब हमारी जैगरी और शुगर कम्प्लीटली इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और अच्छा बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें 3 इलायची क्रश करके डालेंगे और जो हमने आटा भून के रखा है वो इसमें डालेंगे। इतना अच्छा टेस्टी हलवा बनकर रेडी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप भी बनाइए, बहुत ही टेम्पटिंग हलवा बनकर रेडी होगा। हलवे की खुशबू पूरे किचन में पूरे घर में आ रही है, बहुत अच्छा हलवा बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पे मैं 3 इलायची कूट कर इसमें ऐड कर दूँगी और पानी में अच्छा बॉईल भी आ गया है, हमें इसी स्टेज तक इसको बॉईल करना था। अब मैंने 3 इलायची इसमें ऐड कर दी है और मेरी जैगरी और शुगर भी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है पानी में। हम मैंने जैसा बताया आपको, हमें कोई 1 या 2 तार की चाशनी रेडी नहीं करनी है, हमें बस इतना ही बॉईल करना है। अब मैंने आटा इसमें ऐड करूँगी और आटे को हमें लो फ्लेम करते हुए ऐड करना है। आटा बिल्कुल जब हम ऐड करें तो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और इसे हम कम्प्लीटली स्टर करते रहेंगे। स्टर करते करते ये अपने आप गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और एक कंप्लीट बॉल के फॉर्म में आ जाएगा। हमारे आटे का हलवा इतना अच्छा बनकर रेडी होगा कि आप देखेंगे
सुपर टेस्टी हलवा बनकर रेडी होगा। यहाँ पे एक बॉल फॉर्म में आ गया है हमारा हलवा और देखने में कितना टेस्टी और ग्लॉसी दिख रहा है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से हलवा बनाइए। 2 सेकंड के लिए कोई सा भी हलवा हो उसको ढक के रखें। बहुत ही अच्छा हलवा बनकर रेडी होता है। अब मैंने हलवे को 2 सेकंड के लिए ढक कर रख दिया है। आप भी इसको कोई सा भी हलवा बनाए 2 सेकंड के लिए ज़रूर ढक के रखिए। तो यहाँ पे मेरा हलवा कम्प्लीटली बनके डन हो गया है। अब इसको मैं प्लेटिंग करती हूँ। वाओ, कितना अच्छा हलवा बनकर रेडी हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे आज सिंपल मैंने लंच में दाल और चावल बनाए हैं और तड़के वाली दाल थी और जीरा राइस थे और मैंने पापड़ रोस्ट करके लेके आई हूँ। और यहाँ पर हमारा सुपर टेस्टी यम्मी साथ में हलवा है। इतना टेस्टी हलवा बना था कि मैं बता नहीं सकती। आप भी हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। अभी जस्ट खाना हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है और हलवा तो इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा हलवा बना है। मुझे जैसी रेसिपी आती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी देखती हूँ आगे क्या करती हूँ, जो भी करेंगे हम आपको बताएंगे। और अभी तो मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, देखती हूँ अभी थोड़ी देर बैठूंगी और रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरे कहने पर एक बार हलवे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, यू लव इट। ये शाम की क्लिप है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के चाय और बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आपको मेरा सिंपल सा रूटीन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।